तो मैं जा रहा हूँ चेरियन टेनियन, और लिखी हुई मेरी हेल्प कर रही थी, कहती टैक्सी जाती है यहाँ से, बस नहीं जाती। अब देखता हूँ यहाँ से बस जाती नहीं आती, क्योंकि दो भाई कैसे बस जाते हैं। सो गाइस, जा रहा हूँ मैं पहले बी लाइन के सेंटर में, और वहाँ से पहले लोगों में सिम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रेन ज़रूरी है कई जगह ने। ठीक है, तो बस पकड़ता हूँ यहाँ से, बस स्टेशन है, और यहाँ के लोग देख लो, लोकल्स लोग आप, और बसें ऐसे चलती हैं, छोटी बड़ी सब है। गाइस, ये है पुराने ज़माने में यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक होता था, अब ये बंद है और यहाँ पे दुकान खुल गई है। पहले होता होगा, अब ये पूरा रोड बन गई है, पूरा बहुत पुरानी होगी। मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड लेने, दो भाइयों से पूछा, वो कह रहे अगर तुमने तुमसे अगर 7 हज़ार मांगे हैं या 16 हज़ार मांगे हैं कहेंगे तो स्कैम था। तो ऐसे स्कैम यहाँ पर होते रहेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल रात को ही हुआ ये, और अब मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऑफिशियल वी लाइन के सेंटर बताया, मैंने कहा ऑफिशियल से करें सस्ता पड़ेगा आपको, बस में आपको 150 टंगे लगेंगे आप कहीं भी जाओगे तो। ठीक है, यहाँ पर अगर कार ऐसे खड़ी हो जाती है किनारे पे तो आगे से चलान काट देते हैं, तो उनको दुआ पुलिस की गाड़ी आई हुई है जिसे कहते हैं पतोदिक, और वो टैक्सी यहाँ पे वो खड़ी हुई थी, वो उसका चलान काट दिया, देखो इसका मेटाडोर का। तो अब मैं देख रहा हूँ बस फटाफट, तो वो कजाकिस्तान में टेंगे चलते हैं, बड़े सिक्के बड़े भारी भारी से, वो ये है चिल्लड़ बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे कहीं कहीं तो इतनी अच्छी ईमानदारी है, मतलब कि बस स्टेशन में बस जो ड्राइवर है उन्होंने 150 टेंगे लिए और उन्होंने ये टिकट दे दिया मेरे को 150 टेंगे का। सो गाइस, पहुँचा हूँ मैं मस्कवा शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल ये है मेरे सामने, मस्कवा लिखा हुआ शॉपिंग मॉल, बर्गर किंग भी है, KFC भी है, और यहाँ पे भी रशिया की तरह यहाँ पे भी ये आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाएंगे। बस स्टॉप ये है, बसें ऐसी ट्रैम चलती हैं, वो ऐसी बस भी चलती हैं, और लोग यहाँ भी बता देते हैं अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो तो। अंदर घुसते ही ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, व्हेयर इज द बी लाइन सेंटर? देन थैंक यू। ओके, बी लाइन सेंटर आगे जाके नीचे है। डाउन फ्लोर पे है, यहाँ से जाना है डाउन फ्लोर, नहीं छोड़े चलते हैं। काफ़ी कम सीढ़ी है, जगह एक्सीलेटर बहुत कम है, उधर इतनी दूर से उठकर यहाँ मिली है। ATM मशीन भी मिल जाएंगी आपको, आइडियल ऑक्टिव कॉफी मशीन, ताकि बाकी सब ब्रांड्स हैं, एडिडास भी है, बैठने की जगह है। यहाँ पेटीएम मतलब मोबाइल बहुत चलता है, रशिया में देखा था मैगनम, वो शॉपिंग सेंटर जो है रशिया में था, मैगनम मैगनम, यहाँ से बैक कवर वगैरह तो मिल जाएंगे। डू हैव टेम्पर्ड ग्लास? टेम्पर्ड ग्लास पूछा मैंने वहाँ पे, वो था 1500 टेंगे का, भाई बहुत महंगा। सुबेर बैंक का ATM आपको यहाँ पे दिखेगा, सुबेर बैंक, और ये है खाने पीने की जगह है, ये मुझे वहाँ पे रशिया में जो स्वीट्स मिली थी सारी खाने की 2500 रुपये किलो, वही लग रही है मुझे। हेलो, सो हाउ मच इट कॉस्ट? 12000 टेंगे का है 1 किलोग्राम, कितने हो गए? तो यहाँ पे 6, ये तो छोटी छोटी, ये तो 6000 टेंगे के से स्टार्ट है ये, और ये बाकी ये जो है ये 8.5 हज़ार टेंगे, और ये 12000 टेंगे, मतलब 12000 समझ लो 2000 रुपये 6 से डिवाइड करोगे, और बाकी 2000 में कोई 1500 है कोई 1200 है, ये तो टॉफी। तो मैंने ये दो पीस लेके देख रहा हूँ कि कैसे हैं भाई, खा के देखें कैसा है, अच्छा लगा तो लूँगा, नहीं तो पैसे बेकार देंगे, 650 टेंगे के हैं भाई। नीचे चाशनी बनी हुई है पूरी, ऊपर से ब्रेड है, वो है जैसे पेटीज होती है ऊपर से ऐसी है। ठीक है, स्वीट्स बहुत ज़्यादा स्वीट है, मैं जा रहा हूँ, मैंने खा ली, मिठाई बहुत अच्छी रही। बट ये ना
ले आना है। तो पहुँच गया हूँ मैं बी लाइन के सेंटर में, और ये आपसे पहले टोकन निकालना है और उसके बाद वहाँ जाना है और वो वाली मशीन से रिचार्ज होगा, रिचार्ज करना वहाँ पर, ठीक है। और मेरा नंबर आएगा 210 है। ये फ़ोन भी मिल रहे हैं यहाँ पे, इस रेट के फ़ोन होते हैं। ओप्पो का मिल रहा ये इतने टाइम में, ये प्लान देख रहे हो, ये प्लान से यहाँ के और 5 या 10 कट गए हैं, मैंने पे कर दिए कार्ड से, अब कैश से भी कर। सिम ले लिया मैंने, सिम महंगा है उज्बेकिस्तान से, यहाँ महंगा सौदा है, मतलब 5 या 10 समझ लो 850 रुपये पड़ेगा। ले लिया मैंने, और 4 या 10 का भी था पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि उसमें से खाली 13 GB मिल रहा था, 13 GB में पता नहीं क्या क्या 1000 का ही फ़र्क था, तो उसमें अभी इसमें अनलिमिटेड है कि आप कुछ भी चला सकते हो, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो ये भी ड्राई फ्रूट है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट कैसे ले सकते हो आप, दिस इज वेरी गुड। हाँ तारो, नाइस टू मीट यू। कॉस्ट दिस वन, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन उज़्बेकिस्तान, राइट? आई परचेज फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। ग्रोसरी शॉप पे घुस के यहाँ पर आपको दिख जाएंगी वाइन विस्की जो भी होती है, स्कॉटलैंड से बियर वियर, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, पानी, और ये चिप्स वगैरह देखेंगे यहाँ पे। प्राइस है चिप्स के 255 टेंगे, 355 टेंगे, 525 टेंगे, ड्रिंक वाला ही सिस्टम है यहाँ पर। ये तो वर्मा पास्ता, अगर पास्ता बना के खाना हो तो पास्ता खाओ। ये जैम मिल जाएगी 4 रुपये है यहाँ पे। अचार मैंने पहली बार देखा यहाँ पे, कजाकिस्तान में अचार होते हैं भैया 1423 टेंगे, पर है किस चीज़ का अचार यही नहीं बता रहा, अचार है सॉस। ये बहुत खाते हैं यहाँ पर कुकुम्बर के अचार, ये 1195, 1000 होते हैं 166-170 रुपये, मान लो भाई वही रेट है हमारे वाला रेट है, थोड़ा सा टेंगो में है बस। कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं यहाँ पर, जैसे अभी मिठाई खाई और उज़्बेकिस्तान मैंने वो लिए थे कुमानी वाले, वो वहाँ 200 रुपये की आधा किलो, यहाँ पे 400 रुपये की आधा किलो, क्योंकि उज़्बेकिस्तान से इम्पोर्ट होते हैं वो, या फिर और थोड़ा सा प्राइस मतलब मॉल के साइड का भी लग गया, तो मतलब बाहर 200 का 250 का मिल जाएगा, यहाँ 400 का मिल जाएगा। यहाँ भी रेडीमेड ऐसे ब्रेड मिलती है 170 टेंगे, रशिया रुपये लिए थे 170 भाई साहब। ये रोटी मिलती है परमानेंट, लोग रोटी खाते हैं बहुत ही, 4 से 35 की रोटी है, अच्छी लग रही है, थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, गर्म करके खा लो। ये सारा रेडीमेड नॉन वेज, रेडीमेड वेज भी है कुछ होगा, ये रोटी रखते हैं नॉन वेज की रहा भाई साहब, यहाँ तो घोड़े का माजी बहुत खाते हैं, वो भी होगा इसमें कोई खाते ही नहीं। हाँ ये अपनी कैंटीन आ गई, ये है वेजिटेरियन, यहाँ से सलाद ले सकता हूँ मैं, तो 10 का ये हो गया, ये आलू हो गए, ये आलू हो गए, चावल हो गए, दाल हो गई, पास्ता वो आलू हो गए, मैंने बस अड्डे खाई थी 200 रुपये का टेंगे के, 200 टेंगे का एक कार टोच था, मतलब वो था परिश का, और यहाँ 120 है सस्ता है यहाँ पर। ये मिठाई है कुछ, ये पता नहीं क्या है, व्हाट इज दिस, तुम कम इससे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ नॉट कार टोच। तो गाइस मैंने ये चीज़ 4 चीज़ें ले ली हैं, दाल, ये दाल पराश की मतलब 2 भटूरे, आलू और मतलब सैलेड, ये 4 और 5 चीज़ें ले ली हैं मैंने, और 1000 मतलब टेंगे की बनी होगी मेरे ख्याल से, तो बता दूँ वो जाके कैश काउंटर पे पैसे कटेंगे। और ये यहाँ से मुझे लेना है बटर, बटर कौन सा लूँ ये सोच रहा हूँ, ये रेट पे है 1500, तो इतना महंगा होगा वो इतना अच्छा होगा, ये सिर्फ यहाँ की कटी है, इससे आप पता लगा सकते हो, इसलिए पड़े हैं ये सारा, प्याज पड़े हैं, आलू पड़े हैं 1000 टेंगे के, 1080 टेंगे के,
ले जा सकते हैं। ये बड़े सही लगते हैं, ये भी अंगूर है। संतरे हैं 1245 टेंगे के, अनार है 849, ये छोटे कुछ होंगे चीज़ों में क्या, ये 219 की छल्ली 2099 के, ये कुछ टमाटर है 789 के, 1299 के सेब हैं वाइट वाले और ग्रीन वाले, और ये अंगूर होते हैं यहाँ बहुत सारे, ये 1280 के, ये 855 के अंगूर है, 1300 के अंगूर, ये मोटे हैं, और ये प्लम है, ये 7419 देने के लिए बढ़िया है, 150 रुपये के जी है, बढ़िया है, सस्ते हैं। सेब ले, ये भी है 999 रुपये के, ये संतरे वंतरे जो भी है, बाकी रेट ये लगे हुए हैं, और ये चीज़ें लगी हुई हैं, 500 टेंगे समझ लेते हैं, 80 रुपये किलो है भाई। ये शॉपिंग होगी काफ़ी सारी, मैंने सैंडविच बनाने के लिए फ्रूट ले लिए हैं, सब्जियां ले ली हैं, सैंडविच से सब्जी ले लिया है, और फ्रूट ले लिया, मटर ले लिया है, ये अपना जुगाड़ हो गया खाने पीने का। ब्रेड तो ज़रूरी है, ब्रेड देखते कौन सी लेके जाओ, ब्रेड बड़ी हार्ड है, बहुत हार्ड ब्रेड है यार, ये वाली सॉफ्ट है, ब्रेड सॉफ्ट मिलेगी। बिस्कुट्स का अपार्टमेंट है, ये बिस्कुट ऐसी हैं, और ये 1000 टेंगे का, 900 टेंगे का, ऐसे टेंगे का मिल विदाउट एग, विच इज़ गुड, दिस वन यस, दिस वन इज गुड, दिस इज मेड अप फ्रॉम एग्स, यस एग्स विदाउट एग्स, विदाउट एग्स, नो नथिंग, ये यार सब कुछ एक के साथ ही है यार, बिना एक कुछ है नहीं, मिलने का ढूंढना पड़ेगा, ये सारे बिस्कुट कह रहे हैं एक से ही बने हैं। एंड माय नेम इज तरुण, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू, कैन यू से हाय टू माय ऑडियंस, हाय, शी इज असद, यस असद, और ये स्टडी करती हैं, और यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, मैंने भी शॉपिंग कर रही, थोड़ी हेल्प की इन्होंने बिस्कुट के लिए लेने के लिए, यहाँ पे भी एग्स वाले हैं, बाकी बिल्कुल ढूंढ रहे हैं हम, और ये यहाँ पे आपको केक मिल जाएंगे, यहाँ पे सबके प्राइसेस लिखे हुए हैं, प्राइस हो गई शॉपिंग, आज सिम कार्ड ले लिया मैंने, और शॉपिंग कर दी, उसी शॉप पे वो आपको दिखा दी, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके जाऊँगा मैं माउंटेन्स रेंज में, यहाँ पे बहुत किस्म की जो फेमस है, कल आज का दिन कम बहुत कम है, अगर आज गया तो बहुत लेट हो जाऊँगा, प्राइस दिखाता हूँ आपको मैं, कितने की पड़ती है यहाँ पे, कितने की पड़ती है, 11-12 हज़ार टेंगे समझ लो, 7-30 हो गई, 7-21 2-2.5 हज़ार की बोल रहे हैं, और ये भी यही रेट है, ये भी खूबी है, ये बड़ी सस्ती है, 5-8 टेंगे 800 रुपये की, ये सही है यार, ले जाऊँगा यार, 800 रुपये आधी बाजू की, अपनी बाजू की, फुल बाजू की पड़ेंगे 36-8 टेंगे, थोड़ी महंगी है, टी शर्ट 7-8 टेंगे 7.5 हज़ार, ये सेम रेट है वही 7-8 हज़ार, बस हाफ देखो सस्ती पड़ी है, देखी है मुझे ये फुल जैकेट 32-8 टेंगे, ये वही रेट है हमारे वाला 28, हाँ 30 से मिला हूँ मैं, और ये यहाँ परफ्यूम सेंड करती है, YouTube बताओ, अच्छा ओके, डू हैव फोन, यूट्यूब लिख के क्या देना, तो लाइव सब्सक्राइब ही करा देते हैं, इंग्लिश एंड दिस वन, अच्छा ये इसका प्राइस जो है आईफिल का, ये इतना ये कितना है, और 1300 ठीक है यार, 500 इसका, 850 का, 8500 है ठीक है, ये मतलब 1400 हो गया, ये महंगा पड़ेगा तुम्हारा, 2100 दोनों का मिला के 2100
ओके एंड मैन मैन एंड व्हाट इज हां या शो मी व्हाट это брюдо Шанель вот брюдо Шанель это я так чабра How many hours the perfume will 12 ghante rehta hai ye perfume ka ye keh rahe hain dawa kar rahe hain okay it is contain alcohol alcohol yeah. no yeah maso oil se bana hai bahut acha hai main le jaunga nazir ke se maine baat ki hai abhi alcohol wali hai 15% wale bhi usse baat hui aur 40% oil wale bhi जो परफ्यूम है वो भी बहुत अच्छी परफ्यूम है आके देखूंगा नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो देखते हैं अभी तो बहुत मैंने शॉपिंग कर ली है ठीक है तो ओके दाजी क्या जस्ट दी बाय बाय ओके अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और चलता हूँ मैं भाई बहुत छोटी क्योंकि बैग बहुत भारी हो चुका है मेरा हाथ भी बिजी है और दोनों हाथ और अभी जा रहा हूँ मैं मॉल से निकल के पहले तो मैं सोचा था कि घूमने जाऊँगा पर घूमने नहीं आता क्योंकि बहुत टाइम लगता है माउंटेन्स रेंज पे सुबह सुबह कल निकलूँगा होटल एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा हॉस्टल अभी खुल जा भाई सिमसन तू खुल जा तो भाई पकड़ते हैं अपनी बस तो यहाँ पे स्कूटर में ऐसे जाते हैं कपल्स भी उधर कैसे लेके जा रहा ऐसे घूमते हैं लोग यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है बात करने की लोगों से क्योंकि यहाँ पर लोगों को इंग्लिश कम आती है बहुत ज़्यादा कम आती है रशिया में बहुत इजी था पर यहाँ बहुत ये है जीना और यू नो रशियन उसकी ओके कम जानती है इसलिए थोड़ी कन्वर्सेशन में दिक्कत है Я потом обязательно посмотрю ваш канал, посмотрю, что вы снимаете, и мне очень интересен ваш контент. Thank you. Yeah, thank you very much. कह रही है कि मैं आपका वीडियो देखूंगी और बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्या कंटेंट बनाया उसको देखूंगी और आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच योर वीडियोस ये बोला गाइस ये थी मॉडल और इनसे मेरी बात हुई है बड़ा अच्छा लगा बहुत अच्छी थी डाउन टू अर्थ थी हाँ और ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उसकी बस आ गई थी और मेरी बस आने वाली है तो मैं भी चलता हूँ तो अभी अपने हॉस्टल और वहाँ पे जाके कुछ खाते हैं